हेलो एवरीवन, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में एक डाउट फोरम खोला हुआ है, तो आपके जो भी डाउट्स आते हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो आप उन डाउट्स को अपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने डाउट्स पोस्ट कीजिए। तो वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। इनकेस अगर कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं उस टाइम में आपके डाउट्स को देख लेता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। और फर्दर मैंने आपको लास्ट टाइम एक डीपीपी दी थी, तो बहुत कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर ऑलरेडी इतना होमवर्क था इसलिए अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिला। चलिए ठीक है, मानता हूँ होमवर्क ज़्यादा होगा आपके पास, तो आप जब कभी भी उसको अटेम्प्ट करें और जो भी डाउट्स आपके आए तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का जो डाउट फोरम वाला चैनल मैंने खोला हुआ है उसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन करा दिया था, तो वहीं से थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फाइव डिजिट नंबर्स इफ ईच ऑफ इट्स सक्सेसिव डिजिट्स फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स इट्स प्रेडेसेसर सेकेंड पार्ट इज स्मॉलर देन इट्स प्रेडेसेसर ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए फाइव डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मैंने क्या करूंगा, फाइव ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ऑब्वियसली डिजिट सब कौन सी यूज करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स को मेरे को इन बॉक्सेस में यूज करना है, ठीक है ना। और किस काइंड का नंबर बनाना है, सपोज करिए अगर मेरे को इस काइंड का नंबर बनाना ए बी सी डी ई, तो ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, ये फाइव डिजिट है ना। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कंडीशन पढ़िए, ऐसा फाइव डिजिट नंबर बनाना है इफ ईच ऑफ एक सक्सेसिव डिजिट यानी हर आगे वाली डिजिट एक्सीड्स इस प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर मीन पीछे वाली डिजिट, यानी हर आगे आने वाली डिजिट पीछे वाली डिजिट से बड़ी हो, यानी इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। बी बड़ा होगा ए से, सी बड़ा होगा बी किससे बड़ा होगा ए से, सी किससे बड़ा होगा बी से, तो ये पैटर्न चलेगा, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन ई, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर चलेगा, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो इस फॉर्म का नंबर आपको बनाना है, तो सबसे छोटी डिजिट जो होगी वो फर्स्ट बॉक्स में आएगी, उससे बड़ी फिर ये, फिर इस तरह से चलेगा, है ना। डिजिट्स अवेलेबल अपने पास कितनी है, ये 10 डिजिट्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ वेज, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा यार इन 10 डिजिट में से मैं वो 5 डिजिट सेलेक्ट करना चाहता हूँ जिनको मुझे इन 5 बॉक्सेस में यूज करना है। ये जो 5 बॉक्स मैंने बनाए यहाँ पर बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले वो 5 डिजिट मैं सिलेक्ट करूंगा। बट केयरफुल रहना है, केयरफुल इसलिए रहना है कि देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो कहाँ पर आएगी, इस बॉक्स में आएगी। सबसे छोटी डिजिट पहले बॉक्स में आ रहेगी, और अपन जानते हैं कि इस बॉक्स में अपन जीरो को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने जीरो को सिलेक्ट कर लिया, इन केस अगर मैं 10 में से 5 डिजिट सेलेक्ट करता हूं और उस सिलेक्शन में जीरो इंक्लूड हो गया, तो ऑब्वियसली जीरो को मुझे फर्स्ट बॉक्स में ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो और कहीं यूज होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जीरो को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बची हुई 9 में से कोई भी 5 डिजिट आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, जीरो को एक्सक्लूड करते हुए। आपने 9 में से कोई 5 डिजिट सेलेक्ट कर ली, सपोज करिए आपने सेलेक्ट किया 3, 5, 6, 8, 9, सपोज दैट आपने ये सेलेक्ट किया, तो अब इनको अरेंज करने का एक ही मैनर होगा, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट पहले बॉक्स में आएगी, 3 यहां पर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा,
फिर 8, फिर 9, यानी यहाँ पर अरेंजमेंट काउंट नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है पांचों डिजिट के लिए, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पर सिलेक्शन काउंट होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट काउंट नहीं होगा। तो 9C5 × 1, यहाँ पर ये ध्यान देना है जीरो को एक्सक्लूड करना है, जीरो को इंक्लूड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जीरो इंक्लूड होगा तो फिर पहले बॉक्स में आएगा, नंबर 5 डिजिट का नहीं 4 डिजिट का बचेगा। सेकेंड पार्ट, हर आगे वाली डिजिट छोटी होनी चाहिए पीछे वाली डिजिट से, यानी इस बार मेरे को जो नंबर जनरेट करना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहले बॉक्स में ए, सेकेंड में बी, सी, डी, ई। लेकिन अब की बार पैटर्न क्या होगा कि ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा डी से और डी बड़ा होगा ई से, यानी सबसे छोटी डिजिट कहाँ पर आएगी? लास्ट बॉक्स में। यानी ये वाला पैटर्न चाहिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो नंबर ऑफ वेज, अच्छा अब अगर सबसे छोटी डिजिट लास्ट बॉक्स में यूज हो रही है तो लास्ट बॉक्स में तो हम जीरो को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा सबके सोचना, क्या जीरो को इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि जीरो अगर सेलेक्ट होता है तो जीरो सबसे लास्ट बॉक्स में आएगा। तो अब की बार अवेलेबल डिजिट कितनी हो जाएंगी? 10। फर्स्ट केस में अवेलेबल डिजिट केवल 9 थी क्योंकि जीरो से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 10 में से आप कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए, एनी 5। सपोज करिए आपने सेलेक्ट किया है 20965, सपोज दैट, है ना। तो इस केस में नंबर कैसा बनेगा? देखिए 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए आपने, जो भी 5 सेलेक्ट किया, लेकिन उनको अरेंज करने का सिर्फ एक मैनर, सबसे बड़ी डिजिट पहले बॉक्स में 9, फिर उसके बाद उससे जस्ट छोटी 6, और उसके उससे जस्ट छोटी 520। यानी इन सारी सेलेक्टेड डिजिट को अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आएगा 9C5, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 10C5, इसमें जीरो इंक्लूड आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting find the number of ways of selecting a 12 squares of size 1x1 from a chessboard of size 5x5 such that no two chosen squares have a side in common. ये क्वेश्चन है अपना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक 5x5 का एक चेसबोर्ड है, चेसबोर्ड समझते ही होंगे आप लोग, है ना। और दैट इज 25 स्क्वायर्स हैं, इन 25 स्क्वायर्स में से मेरे को 12 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं अंडर द कंडीशन दैट कि कोई भी दो स्क्वायर ऐसे ना हो जिनमें एक भी साइड कॉमन आ रही हो, सो दैट नो टू चोजन स्क्वायर हैव अ साइड इन कॉमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, एक चेस बोर्ड बना लेते हैं, है ना। इंक कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लुक आएगा डायग्राम में। एक चेस बोर्ड बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5 या एंड 6, है ना। 6 लाइन बनाएंगे तो 5x5 पर चेस बोर्ड बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, या ग्रेट, वेल डन।
परफेक्ट बन गया चेस बोर्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब चेस बोर्ड आपने देखा होगा यूजली दो कलर अपन यूज करते हैं, ब्लैक स्क्वायर होते हैं और कुछ आपके व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं। तो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ ये ब्लैक कलर है, अल्टरनेट कलरिंग होती है आपने देखा ही होगा। तो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ ये आपके ब्लैक कलर के स्क्वायर्स हैं, और जिनमें कोई कलर नहीं कर रहा हूँ वो आपके व्हाइट स्क्वायर्स होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको नॉर्मली अगर करेंगे सोचेंगे तब आपको इसकी ब्यूटी पता चलेगी, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन डायरेक्ट करूंगा तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो बिना सॉल्यूशन देखे आप इसको पहले अटेम्प्ट करिएगा, सोचिएगा, है ना, तब आपको लगेगा ये रियली दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये मैंने चेस बोर्ड बना दिया है ना, तो ये आपका कौन से कलर का स्क्वायर है, ये ब्लैक कलर है, और जिस पर शेड नहीं किया है ये आपका व्हाइट कलर का स्क्वायर है। ये उल्टा ले सकते हैं यार, आप चॉइस है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखिए कितने स्क्वायर्स हैं, 25 स्क्वायर्स हैं, जिसमें ब्लैक कलर वाले कितने हैं, 3 3 6 और 3 9 प्लस 4 13, ये रहा 13 ब्लैक स्क्वायर्स। एंड 12 व्हाइट कलर स्क्वायर्स। तो अपने को जो चेस बोर्ड में 25 स्क्वायर्स दे रखे हैं, 25 में से 13 तो ब्लैक कलर वाले हैं और 12 व्हाइट कलर वाले हैं, है ना। लेकिन अब आप नोटिस कीजिए कि इन 25 स्क्वायर्स में से मेरे को एट ए टाइम कितने स्क्वायर्स पिक करने हैं, मेरे को 12 स्क्वायर पिक करने हैं अंडर द कंडीशन दैट कोई भी दो स्क्वायर में साइड कॉमन ना आए। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर दो स्क्वायर में साइड कॉमन नहीं चाहिए तो इट मीन्स सारे के सारे स्क्वायर मैं या तो व्हाइट कलर वाले पिक करूं या फिर सारे के सारे ब्लैक कलर, यानी सेम कलर वाले जब स्क्वायर्स पिक करते हैं आप 12 स्क्वायर्स, तो देखिए कोई भी साइड कॉमन नहीं आएगी। देखिए ये सारे डायगोनल लाइन, जैसे ब्लैक वाले देखेंगे तो देखिए ये सारे इस डायगोनल लाइन में लाई कर रहे हैं, ये इधर से इस डायगोनल लाइन में लाई कर रहे हैं, एडजेसेंट नहीं है कोई भी दो सेम कलर के स्क्वायर, कभी भी एडजेसेंट नहीं। पूरी पिक्चर में देखिए ये जो ब्लैक कलर वाले हैं जिनको मैंने कलर किया, देखिए एक मेन डायगोनल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक ये वाला डायगोनल दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, आ रही बात समझ में। तो देर आर 25 स्क्वायर्स हैं और जिनमें 13 ब्लैक कलर के हैं, 12 व्हाइट कलर के हैं। नो टू ऑब्जर्वेशन अपना क्या है, ये अपना ऑब्जर्वेशन है डायग्राम को देखकर, नो टू स्क्वायर्स ऑफ सेम कलर हैव अ साइड इन कॉमन। कोई भी दो कलर, दो सेम कलर के हम स्क्वायर लेते हैं तो उनमें साइड कॉमन नहीं है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेव। तो यानी आपको दो जो स्क्वायर लेने हैं दोनों सेम कलर के लेने, तो या तो आप सॉरी 12 स्क्वायर लेने वो सारे के सारे सेम कलर के लेने, तो या तो सारे के सारे ब्लैक कलर के ले लीजिए, नंबर ऑफ वेव आ जाएंगे 13C12, या फिर सारे के सारे व्हाइट कलर के पिक कर लीजिए 12C12, ठीक है क्या। 13C12 इज 13, 12C12 इज 1, देयरफॉर नंबर ऑफ वेव इज व्हाट, 14। सही है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स of a rainbow be arranged so that first part blue and green are always together,
सेकेंड पार्ट है ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर, दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें इस प्रॉब्लम में जो मैं मेथड बताऊंगा वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज होगा, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो देखिए क्या बोला गया, देर आर सेवन डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में आप जानते हैं देर आर सेवन कलर्स, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये सेवन कलर्स होते हैं रेनबो में, है ना। तो आपको इन सेवन कलर्स को अरेंज करना है। पहला केस है ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर, ब्लू और ग्रीन को साथ साथ रखना है, है ना। तो जिन कलर को एक साथ रखना है तो मैंने क्या किया, उनको एक स्ट्रिंग से टाइट कर लिया। अब इनको हम सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज नोन एज वेरी पॉपुलर मेथड, आप जानते होंगे इसको स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं, है ना। जिनको साथ साथ रखना होता है मैंने उनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया, उनको एक सिंगल एंटिटी काउंट किया। तो इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे, तो अपने ऑब्जेक्ट बचे क्या, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो 6 ऑब्जेक्ट हैं, इनको 6 प्लेसेस पर फैक्टोरियल 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। 6 ब्लैंक बॉक्स बना दीजिए, 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे ये बोला था ब्लू और ग्रीन ये साथ साथ रहने चाहिए, तो इनका जो इंटरनल ऑर्डर है बीजी भी ले सकते हैं और जीबी भी ले सकते हैं। आ रही बस समझ, मैंने ये थोड़ी बोला था पहले ब्लू हो बाद में ग्रीन हो, तो बीजी भी चलेगा और जीबी भी चलेगा। तो जितने मैनर बीजी के करेस्पॉन्ड आएंगे उतने ही मैनर जीबी के करेस्पॉन्ड आएंगे, तो इनके इंटरनल ऑर्डर को जब अरेंज करेंगे तो इनटू फैक्टोरियल 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट है ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर को तो एक सीधा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, नेवर टुगेदर इक्वल्स टू टोटल। टोटल मेथड निकाल लीजिए कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, टोटल में से वो के सेपरेट कर दीजिए जिसमें दोनों कलर साथ साथ हैं। तो ये तो आप डिफेंसिव अप्रोच लगा सकते हैं, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, ठीक है ना। तो सेवन कलर्स को एक लाइन में कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7, 7 ब्लैंक बॉक्स बना दीजिए, पहले को 7 माइनस से दूसरे को 6 माइनस से, है ना। तो सेवन कलर्स फैक्टोरियल 7 तरह से अरेंज हो सकते हैं, उसमें से हम बुक के सेपरेट कर देंगे जबकि जिसमें ये दोनों कलर साथ साथ है ब्लू और ग्रीन, उसका आंसर हम फर्स्ट पार्ट से कॉपी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप ब्रेक करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 को लिख दिया 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 बन जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 6। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू फैक्टोरियल 6, सही है क्या। अच्छा, कुछ लोग इसको एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड, है ना बच्चों। ये दो मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड है पीएनसी में, स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। जब ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना होता है तो वहां पर हम स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं रखना होता है तो वहां पर हम गैप मेथड यूज करते हैं। गैप मेथड क्या होता है बच्चों, देखिए रेस्ट्रिक्शन किन दो कलर पे लगी, ब्लू और ग्रीन पर रेस्ट्रिक्शन लगी है, यानी इन दो पर रेस्ट्रिक्शन है, बाकी 5 कलर पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इन 5 कलर को थोड़े थोड़े गैप में अरेंज कर लूंगा, वी आई Y O R, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन 5 कलर को एक लाइन में अरेंज करूंगा, तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ वेज। तो जब मैं 5 कलर्स को एक लाइन में अरेंज करूंगा तो टोटल मैनर बच्चों कितने आएंगे, फैक्टोरियल 5, है ना। इन 5 कलर्स को 5 प्लेसेस पर फैक्टोरियल 5 तरह से अरेंज कर सकते हैं। जब ये कलर अरेंज हो गए तो देखिए इनके बीच में कितने गैप आएंगे, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 गैप आएंगे और एक राइट में गैप है, एक लेफ्ट में गैप है, टोटल मिला के 6 गैप क्रिएट होंगे क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो गैप कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा, 6 गैप आएंगे। और इन 6 में से आप कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 2, क्योंकि हमें अगर हम इनके गैप में 2 कलर ब्लू या ग्रीन डालते हैं, ब्लू और ग्रीन डालते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों कलर कभी भी साथ साथ नहीं रहेंगे। तो पहले 6 में से वो 2 गैप सेलेक्ट कीजिए जहां पर आप इन कलर को यूज करना चाहते हैं। सपोज अगर मैंने ये गैप ये पिक किया, एक गैप ये पिक किया, है ना। तो अब आप इसमें ब्लू और ग्रीन को अरेंज करना, तो 2 मैनर है, या तो ब्लू यहां डालिए, ग्रीन यहां डालिए, या फिर ग्रीन यहां पर, ब्लू यहां पर, तो इनटू फैक्टोरियल 2। अरे ये बात बच्चों समझ में, ठीक है चलिए मूव करते हैं आगे। तो ये भी इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं आप, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में इन केस, चलिए मैं थोड़ा सा एक पार्ट और बना देता हूं।
इसका बी पार्ट, वो उसको ए पार्ट कर दीजिएगा, ये ए पार्ट था जिसमें हमने दो कलर पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। इनकेस अगर यही रेस्ट्रिक्शन मैं तीन कलर पे लगाता, पहला पार्ट ब्लू ग्रीन एंड रेड आर ऑलवेज टुगेदर, तीन कलर पे रेस्ट्रिक्शन है, और सेकंड पार्ट है नो टू ऑफ द कलर, इन तीन में से कोई भी दो, नो टू ऑफ ब्लू ग्रीन रेड आर टुगेदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वही है। तो आपके पास कलर्स कितने थे, सेवन कलर थे, वी आई बी जी वाई ओ आर, सेवन कलर थे, इनमें से तीन कलर को साथ साथ रखना है। तो जिन कलर को एक साथ रखना है उसको आप एक स्ट्रिंग से टाइट कर दीजिए और इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट। बचे कलर कौन कौन से हो, बी जी यूज हो गया, आर यूज हो गया, तो बचा हुआ है वी आई, वी आई वाई ओ, तो काउंट किए कितने ऑब्जेक्ट है, वन टू थ्री, इन तीनों को सिंगल ऑब्जेक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो नंबर ऑफ वेज फाइव, ऑब्जेक्ट्स को फाइव प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल फाइव, है ना। लेकिन अब आप देखिए इन तीन ऑब्जेक्ट जिनको आपने टाइट किया, अगर मैं अंदर तीन चेयर डाल दूं और इन तीन को अरेंज करूं तो इन तीन के इंटरनल अरेंजमेंट से छह मैनर्स आएंगे। कैसे, आप देख ले, बी जी आर, बी आर जी, जी बी आर, है ना, फिर जी आर बी, फिर ऐसे आर जी बी, आर बी जी। तो इन तीन कलर का इंटरनल अरेंजमेंट, क्योंकि इनका इंटरनल अरेंजमेंट काउंट होगा, मैंने ये बोला था तीनों कलर साथ साथ हो, तो उनको अगर जैसे ही आप कलर चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज करेंगे, नई अरेंजमेंट आएगी, तो इनटू फैक्टोरियल थ्री, ठीक है ना। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में देखिए, मैंने बोला नो टू ऑफ द कलर ब्लू ग्रीन एंड रेड आर टुगेदर, इन तीन में से कोई भी दो कलर साथ साथ ना हो। तो इट मीन जो रिमेनिंग कलर है जिन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे पहले उनको थोड़े थोड़े गैप पे अरेंज कर लीजिए, वी आई वाई ओ, इन चार कलर को मैंने अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ बेज क्या आ जाएगा बच्चों, इन चार कलर को एक लाइन में कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल फोर। जब भी अरेंज हो जाएंगे चार कलर, तो उनसे गैप कितने क्रिएट होंगे काउंट कीजिए, तीन गैप तो इनके बीच में आएंगे, एक राइट एक लेफ्ट, ओवरऑल फाइव कलर्स आएंगे। और आपको कितने कलर अरेंज करने, तीन कलर। तो पहले इन फाइव में से वो तीन गैप सिलेक्ट कीजिए जहां पर इन तीन कलर ब्लू ग्रीन रेड को यूज करना है। सपोज दैट आपने एक ये पिक किया, एक ये पिक किया और एक ये पिक किया, ये तीन गैप सिलेक्ट किए। अब इन तीन गैप में इन तीन कलर को कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली फैक्टोरियल थ्री तरह से अरेंज कर सकते हैं, इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी काउंट होगा। तो ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो हर तरह से प्रॉब्लम अपनी डिस्कस हो गई है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ, आई थिंक देयर इज ओके no problem, wait for a moment, the number of rectangles, the number of rectangles that can be obtained by joining four of the 12 vertices of a 12-sided regular polygon
of a 12 sided regular polygon. Okay, तो ये क्वेश्चन है आपका. द नंबर ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग फोर ऑफ द 12 वर्टिसेस ऑफ ए 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन. 12 साइड का देखिए एक पॉलीगन है, ठीक है ना, और उससे आपको फोर वर्टेक्स को पिक करके रेक्टेंगल बनाना है. क्वेश्चन ये है कि आप कितने डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. वो 12 साइडेड पॉलीगन बनाना चाहता हूँ. देखिए रफली कैसे बना सकते हैं. और 12 साइडेड पॉलीगन बनाएंगे रेगुलर, तो हर साइड जो होगी सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, ऑब्वियसली 30 डिग्री, 360/12 है ना. तो बेटर ये रहेगा पहले एक सर्कल बना ले, क्योंकि अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उस केस में सर्कम सर्कल एग्जिस्ट करता है. बट ये फिगर थोड़ा सा सर्कल जैसा नहीं लग रहा है. या ये कुछ कुछ सर्कल जैसा लग रहा है. तो ये फर्स्ट साइड 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 है ना. तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा. आ रहा है क्या? ठीक. और ये सेंटर है ही सही. तो ये 12 वर्टिसेस बन रहे हैं आपके, देख लीजिए. अब इसको ज्वाइन करके हम पॉलीगन बनाना चाहते हैं. पॉलीगन बना हुआ है, इनको ज्वाइन करेंगे तो आपका पॉलीगन बन जाएगा. क्वेश्चन ये कि इन 12 वर्टिसेस में से आपको फोर वर्टेक्स पिक करना है. अब फोर वर्टेक्स पिक करके बताना है कि आप रेक्टेंगल कितने बना सकते हैं. तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है ना. तो देखिए मैं कैसे बना सकता हूँ यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगन विच पासिंग थ्रू द सेंटर. सेंटर से जाने वाले कितने आप डायगोनल बना सकते हैं. देखिए दो तो बन गए हुए, दो कौन से, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो एक ये डायगोनल बन गया, तीसरा एक ये चौथा डायगोनल बन गया, है ना. इसको एक्सटेंड नहीं करते, एक्सटेंड करने में थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है. ठीक है ना. और एक ये बन जाएगा आपका, एक ये बन जाएगा. देखिए तो ओवरऑल काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डायगोनल्स बन रहे हैं, है ना. इसको मत काउंट, 7, 8 मत काउंट, क्योंकि तो एक ही लाइन है. तो देयर आर 6 डायगोनल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, है ना. सेंटर मतलब ये जो ओरिजिन है. तो इस 12 साइडेड पॉलीगन के 6 डायगोनल्स मिलेंगे जो कि सेंटर से पास हो रहे हैं. अब अपने को क्या करना है, अपने को फोर वर्टेक्स पिक करने. तो मेरा कमेंट है कि इन 6 डायगोनल में से अगर अपन कोई भी दो डायगोनल सेलेक्ट करें, इफ वी सेलेक्ट एनी टू डायगोनल, तो दो डायगोनल के सिलेक्शन से ऑटोमेटिकली फोर वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे, और उन फोर वर्टेक्स को आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा ये कमेंट है, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ रेक्टेंगल, है ना. इफ वी सेलेक्ट एनी टू डायगोनल्स, then by joining their vertices, their four vertices, के दो डायगोनल होंगे तो चार वर्टेक्स आ जाएंगे डेफिनेटली. देन बाय ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस वी गेट अ यूनिक रेक्टेंगल. अब आप कहेंगे सर ये आप क्लेम कैसे कर रहे हैं, रेक्टेंगल दो डायगोनल से कैसे मिल सकता है. तो देखिए जैसे मैंने एक डायगोनल ये लिया, एक टू वाला ले लिया, ये दो डायगोनल ले लिए. तो देखिए दो वर्टेक्स तो ये दिख ही रहे हैं, दो ये, तो इससे आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा. कैसे मिलेगा, मैं ज्वाइन कर देता हूँ पहले इसको. मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा फील आ जाएगी रेक्टेंगल की आपको. चलिए इसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ. एक ये ले लिया, इसको इससे ज्वाइन किया, देखिएगा इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया.
अब मैं क्लेम कर रहा हूँ ये 100% रेक्टेंगल है। कैसे बोल रहा हूँ जरा देखना, कोई भी एक साइड अगर 12 साइडेड पॉलीगन है तो कोई भी एक साइड सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। और आपने ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल के केस में, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करती तो ऑब्वियसली कॉर्ड की लेंथ सेम होगी, यानी ये वाली कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल आ जाएगी लेंथ में, है ना। सिमिलरली अब जरा ये वाला एंगल बताइए, जरा ये वाली वाली कॉर्ड, जैसे मैं इनको नाम डाल दूं ए बी सी डी, तो ए बी यहां तक हमने क्या प्रूफ कर लिया, ए बी कॉर्ड की लेंथ और सी डी कॉर्ड की लेंथ सेम है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रूव बी सी कॉर्ड की लेंथ और ए डी कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। वो कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाला एंगल मेजर कीजिए। तो देखिए इसमें कितनी साइड आएंगे, 30 30 30 30 30, 5 साइड आ रही है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 150, और ये 150 है और ये 30 30, तो ऑब्वियसली इसको भी 150 होना ही पड़ेगा, तभी टोटल 360 आएगा। तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया और ये वाला रिजल्ट, यानी ये दोनों कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करती है, तो ये भी इक्वल आ गया। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल तो आ गई, वो आ गई क्या, ठीक है। तो अब एक इंटीरियर एंगल हमें 90 भी प्रूफ करना पड़ेगा, एक इंटीरियर एंगल 90 होगा तो फिर सारे इंटीरियर एंगल 90 हो जाएंगे, तो उस केस में रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फिर से अपन इस ट्रायंगल पर आते हैं, यूजिंग ट्रायंगल OBA, यूजिंग ट्रायंगल OBA, है ना। तो आप देखिए ये एंगल 30 है, लेकिन OB और OA दोनों इक्वल साइड की है, सर्कल की रेडिया ही है, तो बेस एंगल सेम हो जाएगा। तो 30 है तो दोनों कितना कॉमन एंगल शेयर करेंगे, 75 75, है ना। यहाँ पर देखिए यूजिंग ट्राइंगल, यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 75 डिग्री। अब अगर हम ये ट्राइंगल पिक कर ले, ट्राइंगल बी ओ सी, यूजिंग ट्राइंगल बी ओ सी, ये सर एक्स्ट्रा पार्ट में समझा रहा हूँ, बच्चे तो इतने कन्विंस हो जाते हैं सर आपने कहा परफेक्ट ही कहा होगा, यूजिंग ट्राइंगल बी ओ सी, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये एंगल 150 है और ओ बी और ओ सी सेम है, तो इस केस में ये दोनों कितना कितना एंगल शेयर करेंगे, 15 डिग्री, क्योंकि 30 बचेगा बाई 2, तो ये 15 आ गया। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो देयर फोर एंगल ओ बी ए, ओ बी ए नहीं सॉरी 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 सी बी ए, सी बी ए 90 डिग्री आ गया। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये एंगल 90 आ गया, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, इंटीरियर एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली चारों एंगल 90 बन जाएंगे। तो अपना क्लेम जो मैं कर रहा था वो क्लेम को प्रूफ कर दिया ज्योमेट्री से, है ना। चलिए तो अपने पास कितने डायगोनल थे, 6 डायगोनल थे, तो 6 में से कोई भी 2 डायगोनल आप कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सके, 6 आंसर कम्स आउट टू बी 15, ठीक है ना बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Given the following set of points, giving the following set of points, given the following set of points on XY plane, on XY plane, 0 0, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2 and 2 2, आई थिंक कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन मेरा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्टेसेस by the vertices chosen from this set, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इन 9 पॉइंट्स को अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लेते हैं, उससे अपने को कोलिनियरिटी का जो केस है वो विजुलाइज हो जाएगा, अपन एग्जैक्टली काउंट कर पाएंगे कि कितने केस कोलिनियरिटी के मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट है, एक तो 0.0 है, दिस वन 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0। वाई एक्सिस पर भी मेरे को ये पॉइंट दिख रहे हैं, 0.0 है, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, ठीक है ना। 1.0 के ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है, 1.1 दिख रहा है, और एक 1.2 भी दिख रहा है, 1.2 या ये दिख रहा है ना। फिर 2.0 के ऊपर एक पॉइंट, ये तो हो गया 1.2 हो गया ठीक है, 1.1 भी हो गया, फिर उसके बाद में 2.1 होगा, 2.2 होगा आई थिंक, जहाँ तक 2.1, 2.2 या, तो ये 9 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये 0.0 है, ये 1.0 है, 1.1, 0.1, 0.2, ये वाला पॉइंट 2.2 है, 2.1 है, ये वाला पॉइंट है 1.2, और ये वाला पॉइंट है 1.1। तो देर आर 9 पॉइंट्स है ना। अब इन 9 पॉइंट में से मेरे को 3 पॉइंट सेलेक्ट करके ट्राइंगल बनाना है और बताना है कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डायग्राम बना लिया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेश्चन, बड़ी आसान है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, अवेलेबल पॉइंट कितने 9, तो 9 में से कोई भी 3 पॉइंट मैं कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 9C3 है ना, 9C3। लेकिन बच्चों अब अलर्ट रहना, कोलिनियरिटी के केस काउंट करना। देखिए एक तो ये वाले 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये वाले 3 भी कोलिनियर है, ये वाले 3 भी कोलिनियर, 3 हॉरिजेंटल से कोलिनियर, 3 वर्टिकल से कोलिनियर है ना, और 2 डायगोनल से कोलिनियर। एक ये कोलिनियरिटी का केस आएगा और एक ही ये कोलिनियरिटी का केस आएगा। तो कितने कोलिनियरिटी के केस आ गए, आई थिंक 3 हॉरिजेंटल केस हो गए, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। तो इन 8 केसेस को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन 8 केसेस में से किसी भी केस आप 3 पॉइंट लेंगे कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 9C3-8, ठीक है ना बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल game can be arranged among 5 married couples so that no husband and wife play in the same game। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो अपने पास कपल्स कितने, 5 मैरिड कपल्स, यानी 5 मेल्स हैं, 5 फीमेल हैं, और अपने को एक टेनिस मैच कराना है। टेनिस मैच किस टाइप का, मिक्स डबल गेम। मिक्स डबल का मतलब हुआ कि एक साइड एक मेल एक फीमेल रहेगा, दूसरे साइड भी एक मेल एक फीमेल रहेगा। यानी इस गेम में मेरे को ओवरऑल 2 मेल कैंडिडेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे और 2 फीमेल कैंडिडेट। अपने पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5 मैरिड कपल्स है तो 5 मेल हैं और 5 फीमेल है, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज,
ठीक है ना। तो फाइव मैरिड कपल्स है तो दो मेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन द सेम गेम, यानी हस्बैंड और वाइफ सेम गेम में नहीं खेलेंगे, ये ध्यान देना है। यानी जो हस्बैंड खेलेगा उसकी वाइफ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो टोटल आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपके मेल वन, मेल टू, मेल थ्री, मेल फोर, मेल फाइव है ना, और ये फीमेल वन, फीमेल टू, फीमेल थ्री, फीमेल फोर, फीमेल फाइव, ये फाइव फीमेल खेल रही हैं। तो एक गेम में अगर जो मेल खेला है उसके करस्पॉन्डिंग फीमेल को आपको नहीं खिलाना है। तो आप पहले क्या करेंगे कि 10 में से आपने कोई भी दो कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए, 10 में से आपने कोई भी दो कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए, दो मेल 10 में से आप दो मेल सिलेक्ट कर लीजिए, 10 में से नहीं यार, 5 में से कोई भी दो मेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो सपोज करिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो आपने जिन मेल को सिलेक्ट किया उनके करस्पॉन्डिंग फीमेल को आप हटा दीजिए, है ना। अब बची कितनी फीमेल, आपके पास 3 फीमेल बची हैं, इन 3 में से कोई भी दो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर M1 M2 गेम में खेलें तो ऑब्वियसली M1 M2 गेम में नहीं खेलेंगे, इंटू 3 C2 इंटू, अब आपको देखना है कि इनसे टीम कितनी बना सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने मेल सिलेक्ट किए M1 M2 और फीमेल सिलेक्ट किए F3 F4, तो अब इनके बीच गेम कैसे करा सकते हैं। M1 F4 का मैच करा सकते हैं M2 F3 से, या फिर M1 F3 का मैच करा सकते हैं M2 F4 से इंटू 2, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या आंसर आ रहा, 5C2 इज क्लियरली 10, 3C2 इज 3, 3-2 जा 60 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 60 डिफरेंट तरह से आप मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि हस्बैंड और वाइफ अगर साथ साथ नहीं खेल रहे तो पहले तो आप क्या काम करो, रिवर्स अप्रोच भी लगा सकते हैं आप 10 में से। आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टोटल निकाल लेते हो, फिर वो केस सबट्रैक्ट कर देते हैं जितना हस्बैंड के साथ वाइफ आ रही है, और ये डिफेंसिव है, 5 मेल पहले सेलेक्ट कर लिए, जो मेल है उसके करस्पॉन्डिंग फीमेल को हटा दिया, बची हुई 3 फीमेल में से कोई भी 2 फीमेल ले लिया। और फिर ये ध्यान रखना इंटू टू क्यों, क्योंकि मैच हमें मेल वर्सेस फीमेल कराना है, तो मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंडचिल्ड्रन takes them to a garden, takes them to a garden in a group of 3. Without taking the same 3 children together. Find. Now first, how many times grandfather goes? Second part, how many times each child goes? तो ये problem है आपकी, है ना। तो a grandfather with 7 grandchildren takes them to a garden in a group of 3, है ना। तो grandfather क्या है, excursion पर एक visit plan करते हैं बच्चों के साथ में garden में, without taking the सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, मतलब एक बार में 3 कितने बच्चों को लेकर गार्डन में जा रहे हैं, 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो पहला पार्ट ये है कि हाउ मेनी टाइम ग्रैंडफादर गोस, तो ग्रैंडफादर को कितनी बार जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अपने पास बच्चे कितने, 7 चिल्ड्रन है ना, और एक बार में अपन कितने बच्चों को पिक कर रहे हैं, 3, कितने बच्चों की टीम बना रहे हैं, 3 बच्चों की टीम बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 बच्चों में से 3 बच्चों की जितनी डिफरेंट टीम बनेंगी
उतनी बार ग्रैंडफादर जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 7C3, क्योंकि 7 में से 3 बच्चों की जितनी डिफरेंट टीम बनेंगे ग्रैंडफादर को उतनी बार जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडफादर रिस्पॉन्सिबल है उनकी विजिट के लिए। आ रही है बात समझ में? तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रैंडफादर की है, तो जितनी टीम बनेगी उतनी ही बच्चों को उतनी बार वो ग्रैंडफादर जाएंगे। और इसमें क्लियरली मेंशन है विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, यानी सेम 3 बच्चों की टीम को दोबारा लेकर नहीं जाना, यानी जो 3 बच्चे एक बार जा चुके हैं विजिट पर वो दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। वो तीनों दोबारा नहीं जाएंगे, उनमें से कोई एक बच्चा है तो बच्चा रिपीट कर सकता है, तीसरा बच्चा चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट का आंसर तो बच्चे निकाल लेते हैं, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डाउट आता है, हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड गोर, हर एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा, है ना। तो सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर बच्चा भी है, तो मेरे को ये पता करना ये पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रैंडफादर एक्चुअली कितने बच्चों की टीम को लेकर जाते हैं, 3 बच्चों की टीम को लेकर जाते हैं, तो 3 बच्चों में से ये बच्चा फिक्स हो गया, ये फेवरेट है ग्रैंडफादर का, तो इसको तो लेके जाना ही जाना है। अब इसको इंक्लूड करते हुए बचे हुए 6 बच्चों में से 2 बच्चों की कितनी डिफरेंट टीम बन सकती है, तो इसको इंक्लूड करते हुए 3 बच्चों की टीम बनानी, तो ये तो इंक्लूड हो ही गया, तो 6 में से कोई भी 2 और 6C2, तो एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा, 6C2 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हमने पर्टिकुलर बच्चे को इंक्लूड कर लिया, तो इसको इंक्लूड करते हुए हमें 3 बच्चों की टीम बनानी थी, तो 6 में से कोई भी 2 ले लिया, आंसर है 6C2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स Find the number of words formed with formed with 10 different consonants and 4 different vowels if each word has three consonants and two vowels and begins with a vowel, ये क्वेश्चन है। चलिए कर लेते क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म विद 10 डिफरेंट कंसोनेंट, कंसोनेंट अपने पास कितने अवेलेबल हैं, 10, वोवेल्स कितने अवेलेबल हैं अपने पास, 4, 10 कंसोनेंट हैं, 4 वोवेल्स हैं, और अपने को इस सिलेक्शन में से, इस डेटा में से मेरे को क्या क्या चाहिए, 3 कंसोनेंट चाहिए और 2 बॉबल चाहिए, इन 5 लेटर का वर्ड बनाना है इंक्लूडिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 बॉबल्स। और एक रेस्ट्रिक्शन और भी लगा दी गई है कि जो भी आप वर्ड बनाएंगे दैट वर्ड बिगिंस विद अ बॉबल, ओके। सिंस वी हैव टू फॉर्म ए वर्ड ऑफ 5 लेटर्स, देयरफॉर आई एम गोइंग टू ड्रॉ 5 ब्लैंक बॉक्सेस, आई एम गोइंग हियर द ब्लैंक बॉक्स कॉन्सेप्ट एज यूजुअल, देयर आर 5 ब्लैंक बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर सिलेक्शन, क्योंकि किन 5 लेटर्स को यूज करना है, बिकॉज देयर आर 10 कंसोनेंट एंड यू हैव टू सिलेक्ट 3 कंसोनेंट, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द लेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करेंगे लेटर्स को, फिर उन लेटर्स को अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, यू हैव टू सिलेक्ट 3 कंसोनेंट आउट ऑफ 10 इन 10C3 वेज, and you have to select 2 vowels out of 4 given vowels, number of ways is clearly 4C2. तो ये जो method आ गया, ये तो आ गया letters के selection के, है ना। अब 5 letters आपके पास आ जाएंगे, suppose करिए 2 vowels आपके पास हैं A और I और 3 consonant C M R,
ठीक है ना। अब आपको जो वर्ड बनाना है दैट वर्ड बिगिंस विद ए वॉवल, तो यानी इस बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन है। तो बच्चों मैंने बोला होगा कि जिस बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन होती है उस बॉक्स को हम सबसे पहले फिल करते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास दो डिफरेंट मैनर में, ए से भी वर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ, आई से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसको फिल करने कितने ऑप्शन है मेरे पास, टू। और जब ये बॉक्स फिल हो गया तो बचेंगे फोर बॉक्सेस और फोर लेटर्स, है ना, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इन फोर बॉक्सेस को इन फोर लेटर्स के कितने डिफरेंट तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल फोर। तो ये तो मैनर हो गया सिलेक्शन के। अब सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट की बात करनी है, तो बॉबल का इंटू टू इंटू फैक्टोरियल फोर, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी डाउट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हो, सब्जेक्ट इन द सेंस मैथ्स में किसी भी टॉपिक से हो, तो वो आप अपने डाउट फोरम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।